हेलो एवरीवन, मैं हूँ तृप्ति, कुक विद तृप्ति में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ मैंगो आइसक्रीम। गर्मी का सीजन है और मैंगो की आइसक्रीम ना खाई जाए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इस तरीके से चिल्ड बाउल ले लेंगे और इस बाउल में मैं डाल रही हूँ व्हिप क्रीम, जिससे कि जब हम व्हिप क्रीम को बीट करें तो ये अच्छे से पिक्स रेडी हो जाए। तो आप कोई भी ब्रांड का व्हिपिंग क्रीम ले सकते हैं। मैंने ये ऑनलाइन परचेज किया है क्योंकि लॉकडाउन में ऑफलाइन का तो कोई मतलब ही नहीं बन रहा है। आपके आसपास अगर कोई शॉप खुलती है और वहाँ पर अगर आपको व्हिपिंग क्रीम मिल जाती है तो आप इस तरीके से ले सकते हैं और इसे अच्छे से 2 से 3 मिनट तक हम बीट करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं, मैं धीमी स्पीड से एकदम हाई स्पीड में ले जा करके इसे बीट कर रही हूँ ताकि अच्छे से पिक्स इसमें रेडी हो जाएं। अगर आपके पास इस तरीके से बीटर मशीन नहीं है तो आप है ना क्या कहते हैं हैंड ब्लेंडर का इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर वो भी नहीं है तो आप मिक्सर जार में भी इसे बीट कर सकते हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये कितने अच्छे से बीट हो रही है और ये देखिए काफ़ी अच्छे पिक्स इसके रेडी हो गए हैं। और अब हम क्या करेंगे, लॉकडाउन का समय चल रहा है ना तो बच्चों की डिमांड को तो पूरा करना बनता है। तो मेरे पास मैंगो नहीं था तो मैंने मैंगो फ्रूटी जो होती ना वो जूस ले लिया है। तो ये 1 कप मैं फ्रूट जूस डाल दूंगी इसके अंदर और बच्चों की डिमांड को पूरा कर दूंगी। आप इस तरीके से बहुत सारे मैजिक कर सकते हैं और बच्चों के दिल में राज कर सकते हैं, बच्चे के आप बड़ों के दिल में भी राज कर सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हम वापस से इसे मिक्स कर देते हैं बीट करके। और अब हम इसमें डालेंगे कलर, क्योंकि बच्चे पूछेंगे कि मैंगो आइसक्रीम बनाई और कलर तो दिख ही नहीं रहा है। तो इस तरीके से येलो कलर आप डाल दें, ये ऑनलाइन मिल जाता है। आपके पास लिक्विड ना हो तो आप है ना येलो फूड कलर भी डाल सकते हैं। और ये देखिए बैटर रेडी है। अब हम इस बैटर को पूरा इस बॉक्स के अंदर फिल कर देंगे और उसके बाद इसे 8 से 10 घंटे के लिए या फिर ओवरनाइट हम इसे सेट होने के लिए रख देंगे फ्रीज़र में। और मैं आपको गारंटी देती हूँ इस तरीके की, जब आप आइसक्रीम बनाएंगे बच्चे बाहर की आइसक्रीम खाना बिल्कुल भूल जाएंगे और घर पे रोज़ लॉकडाउन में आप इस तरीके से आइसक्रीम बना करके उन्हें खुश कर सकते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से कवर कर दिया और आप देख सकते हैं 8 से 10 घंटे हो गए और ये अच्छे से सेट हो गई है। अब हम एक स्कूप की हेल्प से एक एक स्कूप करके आइसक्रीम निकालेंगे और ये देखिए बिल्कुल मार्केट जैसी सॉफ्ट आइसक्रीम निकल रही है। यकीन मानिए दोस्तों, एक बार ज़रूर बनाइएगा और अपना फीडबैक हमारे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। और उम्मीद करते हैं कि आपको ये आइसक्रीम ज़रूर पसंद आएगी क्योंकि ये बनी ही इतनी अच्छी है। और ये देखिए इस तरीके से कितने प्यार से कितने आराम से स्कूप्स निकल रहे हैं। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, मेरी आइसक्रीम बनकर के रेडी हो गई है। और अगर आपको हमारी बनाई हुई आइसक्रीम पसंद आती तो मेरे चैनल को करिएगा फ्री में सब्सक्राइब, वीडियो को करिएगा लाइक, कमेंट और शेयर।